हेलो एवरीवन दिस इज़ श्रुति और आप सभी का स्वागत है स्टार्टि विद श्रुति गुप्ता चैनल में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बारे में जिसमें हम अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और अकाउंटिंग की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जो आपको अकाउंटिंग पढ़ने में हेल्प करेंगी तो वो अकाउंटिंग टर्म्स भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या कहता है अकाउंटिंग हैज़ अ ग्रेटर डिसिप्लिन देन बुक कीपिंग अब सबसे पहली चीज़ कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं वो समझना ज़रूरी है अकाउंटिंग का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना क्लासीफाई करना समराइज़ करना इंटरप्रिटेट करना और फिर एट द एंड उनको फाइनल यूजर्स तक पहुंचा देना वो होती है आपकी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या होती है बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड्स को बनाकर रखना बुक को कीप करके रखना बनाकर रखना दैट मीन्स उसके अंदर आपका क्या क्या इन्वॉल्व होता है जर्नल लेजर कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक्स सब्सिडरी बुक्स आपकी हेल्पिंग बुक्स होती हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या है बुक कीपिंग का मतलब देख लीजिएगा डेफिनेशन में इट इन्वॉल्वस जर्नल लेजर कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स इट कैन नॉट डिसक्लोज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस लेकिन जो बुक कीपिंग है वो नेट रिजल्ट नहीं बताती बिजनेस का जबकि अकाउंटिंग नेट रिजल्ट बताती है तो अकाउंटिंग क्या है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग समराइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो क्लियर है आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस क्या है समझ आया उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है तो क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग डज नॉट शो द नेट रिजल्ट जैसा भी मैंने ऊपर बताया कि कोई भी बिज़नेस का नेट रिजल्ट नहीं बताता बुक कीपिंग लेकिन अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी जो है वो नेट रिजल्ट बताता है बिजनेस का उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा था एक बार ही हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो कि मनी मनी से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम मनी अर्न करते हैं तो ऑल द इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर नोन एज इकोनॉमिक इवेंट्स वो सारे इवेंट्स जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जाते हैं उनको हम इकोनॉमिक इवेंट्स बोलते हैं उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़ आप एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो किस में पे करेंगे पैसा देंगे उसको वो मोनी टर्म्स में आ गया मनी की टर्म में आ गया तो इसी तरीके से गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स आपने गुड्स खरीदे हैं तो उसके बदले में आप क्या पेमेंट करेंगे और पेमेंट आपकी मॉनेटरी फॉर्म में होगी कैश विथड्रो फ्रॉम बैंक अगर आप बैंक में से कुछ कैश निकाल कर लाते हैं तो वो भी मॉनेटरी फॉर्म में होगा ठीक है नेक्स्ट इज चेंजिंग रोल ऑफ अकाउंटेंसी अब अकाउंटेंसी का रोल क्या है देखिए फर्स्ट इज as a language to communicate information and information in enterprises. जो business है आपके businesses के अंदर आपको communicate करने की तो ज़रूरत पड़ती है because communication is an important part of every business or every enterprise. तो as a language use करते हैं आप communicate करते हैं information को जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा मान लीजिए कोई भी enterprise है उसमें लेवल्स होते हैं बिजनेस में या मैनेजमेंट में आप देख लीजिएगा टॉप लेवल मिडिल लेवल और लोअर लेवल तो वहाँ पर क्या होता है इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुँचाया जाता है तो वही है अकाउंटेंसी का रोल भी नेक्स्ट है टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या होती है दैट मीन्स कि एक बिजनेस या एक एंटरप्राइज़ की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसके डेटा रिकॉर्ड्स ठीक है तो उन सबको भी प्रोवाइड कौन कराता है अकाउंटेंसी थर्ड है टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दिस इज़ यूजफुल इन इकोनॉमिक डिसीजन अब कोई भी आपको डिसीजन लेना है बिजनेस या एंटरप्राइज के अंदर तो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सारा डेटा और सब चीज़ें पता होनी चाहिए उस एंटरप्राइज के बारे में और ये क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव वो होती है जो कि आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं और क्वालिटेटिव होती है जो आप मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते क्लियर है इतना सभी को उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का प्रोसेस है दैट मीन्स स्टेप्स हैं पूरा ये आपका फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स अब इकोनॉमिक इवेंट्स कौन से थे जो कि मनी के टर्म्स में हमने बताया कि रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो होते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स ये है फर्स्ट प्रोसेस सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से इवेंट्स या कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो मनी के फॉर्म में हैं अब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो मनी की फॉर्म में नहीं होती तो उनको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे दिस इज द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप इज क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन उसके बाद हम देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जितनी भी हैं उनको क्लासीफाई कर देंगे और क्लासीफाई कैसे करेंगे एसेट्स लाइबिलिटी एक्सपेंसिस और इनकम में मान लीजिए आपको कुछ ढेर सारी बिजनेस एक्टिविटीज दी हुई है तो आपको उनको कैटेगराइज करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर देनी है कि कौन सी एसेट है मान लीजिए एग्जांपल आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल में आपको मान लीजिए गिवन है क्रेडिटर्स ठीक है मान लीजिए क्रेडिटर्स दूसरे में आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी फिर आपको बताया अब ये बताइए क्या है देखिए क्रेडिटर्स जो है वो आपका क्या हो गया लाइबिलिटी हो गई और प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या हो गई असेट हो गई तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है थर्ड है मेजरमेंट इन टर्म्स यानी मुने की टर्म्स में मेजरमेंट करना कि उसकी वैल्यू कितनी है मेजर कर देना उसको फोर्थ पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मेजरमेंट के बाद रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स लगते हैं इसमें जैसा कि हम प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर जाकर अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हैं उसके बाद समराइज़ किया जाता है समराइज़ का मतलब क्या है जब आपने ट्रांजैक्शंस देख ली उनको रिकॉर्ड कर लिया फिर उसके बाद आप समराइज़ करेंगे दैट मीन्स उनकी एंट्रीज़ कर देंगे जर्नल एंट्रीज़ फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट बन जाएगी सिक्स पॉइंट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इसका मतलब है उसको एग्जामिन करना अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना उन सारी ट्रांजेक्शन्स की और उसके बाद कम्युनिकेशन उसके बाद जो कॉम्युनिकेशन uh, में आता है आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के पास पहुँचा देना ये होता है पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग का इसके बाद आता है हमारा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब जो ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इनके यूजर्स कौन कौन है मतलब कौन कौन इन स्टेटमेंट्स का यूज करेगा ठीक है ये आपको पता होना चाहिए बहुत ही बेसिक पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट है आपका एक इंटरनल यूजर्स इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं जो कि विद इन अ कंपनी और विद इन एन एंटरप्राइज होते हैं एक एंटरप्राइज या बिजनेस के अंदर के जो लोग होते हैं यूजर्स होते हैं दैट मीन्स ओनर्स एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं साइड में ब्रैकेट में ओनर्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज कस्टमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब आपका इंटरनल है इंटरनल यूजर्स में आ गए सेकेंड है आपके एक्सटर्नल यूजर्स जो कि बाहर की यूजर्स uh, हैं मतलब जो आपकी कंपनी के बाहर के हैं कंपनी के अंदर उनका कोई रोल नहीं है वो कौन कौन से होते हैं रेगुलेटरी एजेंसीज लेबर यूनियन स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक एंड अदर्स ठीक है तो ये होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं जब आप जर्नल बना ले जर्नल बना लेंगे लेजर बना लेंगे ट्रायल बैलेंस बना लेंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये क्या है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कितना नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस हुआ है क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस कंपनी की या उस बिजनेस की वो किससे पता चलता है हमें बैलेंस शीट से ओके okay? अब नेक्स्ट है हमारा इसी में टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस होती हैं जैसे कि अगर मैं आपको लेवल वाइज बताऊं ग्रेड वाइज बताऊं तो आपने इलेवंथ और ट्वेल्थ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है फिर जब आप बी करते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग आ जाती है फिर आप मास्टर्स करते हैं तो उसी में ही और इनका भी एक्सटेंशन आ जाता है ठीक है तो ये होती है कुछ ब्रांचेस अकाउंटिंग की फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो आप इलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ते आ रहे हैं जिसमें आपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग ये सब पढ़ा और प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं वो सब पढ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका ट्रेडिंग पी एंड एल ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट सब कुछ आ जाता है जो आपने पढ़ा होगा ठीक है नेक्स्ट आती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में आप कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं ठीक है कॉस्ट शीट बनती है और कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अब देखिए प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज का तो हर किसी में तो हर किसी कंपनी की तो यूनिट सेम नहीं होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो उसी के बेसिस पर वो कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं दैट कम्स अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग को मिक्सअप करके अगर आप देखें तो वो आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फोर्थ आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग टैक्स अकाउंटिंग में आप सारे टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं स्पेशली सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स का कंप्लीट वर्जन आप पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक पार्ट है अकाउंटिंग का लेकिन इसमें क्या है आपने जैसे कि सोशल बेनिफिट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे आपने सी पढ़ा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक कॉर्पोरेट की या कंपनी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सोसाइटी तो वो भी किस में आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओके okay. इसके बाद हमारा आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है ठीक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इसमें क्या है आपको अकाउंटिंग टर्म्स दी गई हैं कुछ जो कि यूज होती ही होती हैं हर एक अकाउंटिंग में ये आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट इज एंटिटी एंटिटी होती है एक ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्टेंस में आ गई है जैसे हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था तो कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंटिटी मतलब जो चीज़ अब एग्जिस्ट हो गई है जिसे आप मतलब विजिबली uh, एग्जिस्ट हो चुकी है वो होती है हमारी एंटिटी तो इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंग्स बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी अब जो बिजनेस जो एंटिटी है वो दो तरीके से हो सकती है आप बिजनेस एंटिटी भी बोल सकते हैं और नॉन बिजनेस भी बोल सकते हैं तो बेसिकली इसका जो मतलब है एंटिटी का एक ऐसी चीज या एक ऐसे इंडिविजुअल के द्वारा की हुई एक खड़ी हुई मान लीजिए एक इमारत है ठीक है एक बिल्डिंग है उसको आपने कंपनी में फॉर्म करा दिया कंपनी में कन्वर्ट करा दिया और लीगली उसको अप्रूव अप्रूवल मिल चुका है गवर्नमेंट का या जैसे भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है कि ये कंपनी बन चुकी है तो वो एक एंटिटी हो गई ओके नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शन्स होता है गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज फॉर कंसीडरेशन कंसिडरेशन का मतलब मनी के टर्म्स में या फिर आप कह सकते हैं मान लीजिए मैंने किसी को गुड्स दे दिए ठीक है तो वो क्या देगा मुझे पैसा देगा तो वो क्या हो गया कंसिड्रेशन मतलब कुछ पैसे के लिए थर्ड है हमारा एसेट्स दीज आर द प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज विच कैन बी एक्सप्रेसड इन मोनिटरी टर्म्स ठीक है तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक एंटरप्राइज में यूज किए जाते हैं और ये मोनिट्री टर्म्स में इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल आपका फर्नीचर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें अपने फर्नीचर लगाया तो फर्नीचर क्या है रिसोर्स हो गया एक उस एंटरप्राइज के लिए प्लस वो एक मनी के फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है बिकॉज आप उसको अगर बेचेंगे बाद में कभी तो क्या होगा मनी मिलेगी ना आपको तो मनी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स फिक्सड एसेट्स और करंट एसेट्स अब देखिए एसेट्स दो तरीके की होती हैं फर्स्ट इज फिक्सड एसेट्स और सेकेंड होती हैं करंट एसेट्स फिक्सड एसेट्स होती हैं जो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली फॉर मोर देन वन ईयर एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं और आगे तक कितने भी साल तक के लिए यूज कर सकते हैं वो फ़िक्स्ड रहती है हमेशा तो वो हो गई आपकी फ़िक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स कौन सी हो गई जो कि एक साल से कम टाइम के लिए यूज की जाती है वो है आपकी करंट एसेट्स क्लियर फोर्थ इज लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज आर सर्टिन ऑब्लीगेशन और ड्यूज विच फॉर्म हैज टू पे लाइबिलिटी का मतलब हो गया जो एक ऐसी अमाउंट जो कि फॉर्म को पे करनी है मतलब फॉर्म के ऊपर एक कर्जा चढ़ा हुआ है जो उसे पे करना है तो वो क्या हो गई फॉर्म के लिए लाइबिलिटी फिफ्थ इज कैपिटल कैपिटल होती है कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है कैपिटल का मतलब है जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सोचिए थोड़ा बहुत कैश की ज़रूरत पड़ेगी फर्नीचर बिल्डिंग तो ये सब चीज़ें क्या हो गई जो आप लगा रहे हैं उसके अंदर जैसे फर्नीचर लगाया आपने कैश इस कैश की इन्वेस्टमेंट की तो कैश की इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं कैपिटल तो कैपिटल वो सारी चीज़ हो गई जो कि ज़रूरी है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सिक्स इज सेल्स सेल्स आप ऑलरेडी जानते हैं जब हम कोई सामान बेचते हैं तो वो बेचना क्या हो गया सेल्स हो गया और सेल्स क्रेडिट और कैश दोनों बेसिस पर हो सकती है नेक्स्ट इज रेवेन्यूज रेवेन्यूज होते हैं इट इज द अमाउंट विच इज अर्न बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपने सामान बेचा है उस सामान को बेचने के बाद जो आपके पास अमाउंट आती है दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंसिज होते हैं इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज विच यूज एक्सपेंसिज वो होते हैं जो आपके खर्चे होते हैं एसेट्स के ऊपर कॉस्ट पे जो आपके खर्चे होते हैं या फिर जो सर्विसेज यूज हो रही हैं उन पर जो खर्चा है वो सब नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर भी खर्चा होता है बट डिफरेंस ये है ये किसी बेनिफिट के लिए होता है ठीक है मीन्स स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट नेक्स्ट है प्रॉफ़िट प्रॉफिट आप सब जानते ही हैं प्रॉफिट तो आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं तो और इसको कैसे निकाला जा सकता है जितने आपको रेवेन्यूज हुए हैं और जितने आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है फिर आता है आपका गेन इट जनरेट फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन अच्छा सेल ऑफ फिक्सड एसेट्स गेन क्या होता है गेन और प्रॉफिट में देखिए डिफरेंस क्या है प्रॉफिट तो होता है आपका एक रेगुलर बेसिस पर चलने वाली चीज जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है उसमें आप देखते हैं कि आपने कितना सामान खरीदा था कितने पैसे मतलब कितने का आपको वो सामान बना है कितने में आपने वो सामान बेचा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका हो गया प्रॉफिट गेन होता है इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन ये वर्ड याद रखिएगा इंसिडेंटल मतलब कभी कभी मौके पर कोई ट्रांजेक्शन हो गई वो ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है मान लीजिए कभी एकदम से अचानक से ही सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट को देखना पड़ा ठीक है तो उसके जो उसके बदले में जो पैसा आएगा वो क्या होगा वो गेन होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा ठीक है बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस सो प्रॉफिट इज ऑन द रेगुलर बेसिस बट गेन इज एन इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन नेक्स्ट आता है ट्वेल्थ लॉस लॉस क्या होता है अब जैसे आपने यहाँ आप प्रॉफिट देखा था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इसी तरह से इनकम एक्सपेंसेस माइनस इनकम क्या हो गया आपका लॉस या फिर आप एक्सपेंसेस माइनस ये भी बोल सकते हैं रेवेन्यू इज इक्वल टू लॉस मतलब जब आपके एक्सपेंसेस खर्चे ज्यादा बढ़ जाए और इनकम कम हो वो होता है आपका लॉस ठीक है तो ये ट्वेल्थ था अब आता है आपका थर्टीन दैट इज़ डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है छूट जब आपको कंसेशन मिल जाता है या डिडक्शन हो जाती है किसी भी सामान के प्राइस में कम मतलब कम पे करना पड़ता है that means आपको दैट मीन्स आपको डिस्काउंट मिल गया है फोर्टीन इज वाउचर वाउचर होता है एक एविडेंस कि आपने ये ट्रांजेक्शन की है फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्म भरते हैं फॉर्म भय आपको फीस मान लीजिए उस फॉर्म की फ़ीस है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ तो आपने पे कर दी अपने डेबिट कार्ड से या किसी भी पेमेंट के मोड से उसके बाद आपके पास एक आ, स्क्रीन पर आता है कि आपने पेमेंट कर दिया है तो दैट इज योर एविडेंस कि आपने पेमेंट कर दी है यानी कि ट्रांजेक्शन हुई है तो वो क्या हो गया वाउचर नेक्स्ट इज गुड्स गुड्स होते हैं आपके सामान जो आप बिजनेस में यूज करते हैं बेचने के लिए या खरीदने के लिए टेंजिबल गुड्स आते हैं गुड्स के अंदर सिर्फ टेंजिबल गुड्स होंगे इसमें आपका रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स सारे इंक्लूड होते हैं सिक्सटींथ होता है हमारा ड्राइंग्स ड्राइंग्स का मतलब होता है जब हम बिजनेस से कुछ कैश या फिर कुछ गुड्स निकाल लेते हैं फॉर द पर्सनल यूज ये ये लाइन याद रखना ये वर्ड फॉर द पर्सनल यूज तो वो होती है हमारी ड्राॅइंग्स फिर आता है हमारा परचेजेस परचेजेस जब हम किसी सामान को ख़रीदते हैं आइदर ऑन द कैश और ऑन क्रेडिट बेसिस तो वो होता है हमारा परचेजेस नेक्स्ट इज स्टॉक स्टॉक क्या होता है स्टॉक होता है जो आपके पास सामान है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है जो कि आपको बिजनेस की ओपनिंग के टाइम पर जो आपके पास है और क्लोजिंग स्टॉक को आप अनसोल्ड गुड्स भी बोल सकते हैं जो एट द एंड ऑफ द टाइम बच जाते हैं गुड्स वो होते हैं क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट इज डेटर्स डेटर्स वो पर्सन होते हैं दीज आर द पर्सन्स हु ओन टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट ठीक है मतलब कि फर्म को अब पे करना है मतलब डेटर्स वो होते हैं दीज आर द पर्सन्स हु ओन टू एन एंटरप्राइज जिन्होंने एंटरप्राइज से उधार लिया हुआ है जिन लोगों ने एंटरप्राइज से उधार लिया हुआ है तो अब वो वापस करेंगे एंटरप्राइज का तो वो लोग क्या हो गए डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन से हो गए दीज आर द पर्सन हैव टू पेड बाय एन एंटरप्राइज अब एंटरप्राइज ने जिनसे उधार लिया हुआ है वो होते हैं क्रेडिट तो इसमें क्या होगा एंटरप्राइज उनको पे करेगा उनके पैसे जो उन्होंने उधार लिए हुए हैं ठीक है तो ये थे हमारे सारी बेसिक टर्म्स और हमने अकाउंटिंग के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी इस वीडियो में जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और आपको पता होनी चाहिए अब एक यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं ज़रा फॉर योर प्रैक्टिस फर्स्ट इज राइट एनी टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब इसमें टू यूजर्स पूछा है इंटरनल नहीं बोला एक्सटर्नल नहीं बोला तो आप कोई भी लिख सकते हैं तो आंसर्स में दो जो हैं आपको जरूरी नहीं है कि ये दोनों ही लिखने हैं बहुत सारे पीछे आपको बताए थे इंटरनल और एक्सटर्नल आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर आपको जो शो हो रहा है वो है पब्लिक और रेगुलेटरी एजेंसीज सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एडवांटेज क्या है आंसर क्या है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन ए सिस्टमैटिक मैनर या सिस्टमैटिक ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ वाउचर वाउचर का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं कैश मेमो बिल कुछ भी लिख सकते हैं आप ये सब वाउचर के एग्जाम्पल हैं फोर्थ इज राइट एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स करंट एसेट्स में आपका स्टॉक डेटर और ये सब चीज़ें आती हैं तो आई होप आप सभी को ये वीडियो से क्लियर हुआ होगा अकाउंटिंग के बारे में स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए हैं अकाउंटिंग के बारे में इतना कुछ नहीं पता है उनको तो ये बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए तभी आप अकाउंटिंग में आगे अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो आई uh, होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा जितना भी मैंने इस वीडियो के अंदर पढ़ाया है अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आपके आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा हो सकता है आपके काम आ जाए काफ़ी और फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ थैंक यू सो मच